सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर 100 रुपए के कैशबैक के साथ आपको और भी अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अडानी विल्मार लिमिटेड कंपनी के आईपीओ में पहले दिन तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 27 जनवरी 2022 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो ज़रूर करें, जहां पर न्यूज़ अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, जो आईपीओ है 27 से 31 जनवरी के बीच ओपन है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 218 से 230 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 230 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। अब देखिए, लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 65 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं शेयर होल्डर कैटेगरी की बात करें तो यहां पर 10% का रिजर्वेशन इस कैटेगरी के लिए भी मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, पहले दिन तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस सामने आ चुका है और पहले दिन तक अगर बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 0.30 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं एनआईए कैटेगरी में इसमें 0.53 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। देखिए, जनरली देखा जाता है कि इन दोनों ही कैटेगरीज में जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट दिन देखने को मिलता है। तो देखिए, आखिरी दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और पहले दिन यहां पर ओपनिंग हो चुकी है, ये बहुत अच्छा साइन है और इसका मतलब है कि यहां पर तीसरे दिन तक आपको भारी भरकम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाला है। रिटेल कैटेगरी में बात करें तो 0.96 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं एम्प्लॉय कैटेगरी में बात करें तो 0.05 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। वहीं अदर्स जिसमें शेयर होल्डर कैटेगरी आती है, इसमें 0.10 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.57 टाइम्स आईपीओ ओवरऑल सब्सक्राइब पहले दिन तक होता हुआ नजर आया है। तो देखिए, पहले दिन तक कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन यहां पर बोलेंगे, लेकिन आखिरी दिन यानी तीसरा दिन जो 31 तारीख है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। अब देखिए, यहां पर प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन प्रीमियम करीब 50 से 54 रुपए के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 230 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 54 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 284 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, शुरुआती दिनों से देखा जाए तो प्रीमियम में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम 175 रुपए के आसपास था, जो गिरकर अभी लगभग 50 से 54 रुपए के आसपास चल रहा है। लेकिन सवेरे के टाइम आपको बता दें, जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था उस टाइम इसका प्रीमियम 44 रुपए के आसपास तक खिसक गया था, यानी कि 44 रुपए का इसने लो बनाया है और अभी फिलहाल 50 से 54 रुपए के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, गिरावट की वजह एक ही है, मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, मार्केट दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा गिरता जा रहा है, जिसके कारण इसका इफेक्ट आपको प्रीमियम पर भी देखने को मिला है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये आईपीओ काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि भारत के एक बढ़िया ग्रुप का ये आईपीओ है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भले ही मार्केट में प्रेशर के कारण थोड़ा सा कम लिस्टिंग इन आपको दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो देखिए, आपको अप्लाई तो ज़रूर करना है, निश्चित रूप से आपको ये कोशिश करना है कि आपको ये अलॉट हो जाए। ठीक है, आपको अगर अलॉट होता है और शुरुआत में कम लिस्टिंग गेन मिलता है तो निश्चित रूप से आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये आपको भारी भरकम फायदा देता हुआ नजर आएगा। तो मेरा मानना तो यही है कि अप्लाई तो आपको करना ही है, रिटेल निवेशक हैं तो निश्चित रूप से आप अप्लाई करें। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि 100 रुपए से ज्यादा या 150 रुपए के ऊपर ही आपको इसमें लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए लिस्टिंग के दिन तक, लेकिन अगर बाई चांस कोई मार्केट में गिरावट होती है, नहीं मिलता है, तो आप ये मान के चलिए अगर आप इसको होल्ड करके चलते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न ये जो शेयर है वो देता हुआ नजर आ सकता है। तो मैं तो इस पर बुलिश हूं, पॉजिटिव हूं और निश्चित रूप से मेरे हिसाब से इस आईपीओ में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही बेसिस पर अप्लाई करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।